मेगा ऑक्शन के पहले होने वाली बैठक में, जी हाँ, जो अब से कुछ ही देर के बाद आज बैठक होने जा रही है बीसीसीआई की और टीम मालिकों की, तो ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों के गैर हाजिर होने पर ले सकती है बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर के साथ इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे क्या है वो मामला विदेशी खिलाड़ियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आईपीएल एक बहुत ही बड़ी लीग है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसका नाम है, और ऐसे में एक मेगा ऑक्शन आने वाला है, इसको लेकर टीम मालिकों और बीसीसीआई की आज एक बैठक होने जा रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ऐसे में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिन पर विचार होगा और उन विचारों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। रिटेंशन पॉलिसी तो आप जानते ही हैं, उसको लेकर तो मालिकों ने अपनी बात आज रखनी ही रखनी है। इसके अलावा पॉकेट मनी की बात हम कर लेंगे, इंपैक्ट प्लेयर की बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे में एक और बड़ा जो मामला है वो है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर। जहां बात कर रहे हैं कि जेसन रॉय और इसके अलावा वानिंदु हसरंगा और एलेक्सेल्स बटलर का भी आप नाम ले सकते हैं, जब बिना किसी ठोस कारण के या वैध कारण के या बिना किसी इंजरी के चोट के वो अपना फैसला वापस ले लेते हैं ना खेलने का, तो ये व्यक्तिगत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये टीम के लिए बहुत ऐसे परेशानी में डाल देते हैं कि शायद उनकी टीम आईपीएल में उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना कर पाए। तो इसको लेकर टीम मालिक बहुत चिंतित है और टीम मालिकों की ये मांग हो सकती है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखते हैं जब भी आईपीएल के नॉकआउट के दौर शुरू होते हैं, ऐसे में कई देशों के बोर्ड वो अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं बायलेटरल सीरीज चल रही होती है या किसी और कारण से उनको बुलाया जाता है और उनको जाना पड़ता है आईपीएल छोड़कर। तो अब यहाँ पे तो टीम नॉकआउट पे पहुंची है और उनके प्रमुख खिलाड़ी ओवरसीज के अगर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मैच में। खासकर आपने देखा होगा जोस बटलर इस सीजन में, तो उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसे मौके पे जब जहां आईपीएल में नॉकआउट के मैचेस हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनको वापस जाना पड़ा, और साथ ही साथ ये जरूर बताया कि इसका कुछ ना कुछ ठोस उपाय होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि एक सुझाव भी दिया उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय सीरीज होती है जब आईपीएल के मैच हो, तो ऐसे में शायद द्विपक्षीय सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो एक ये बहुत अच्छी बात की थी, एक अच्छा कदम था जॉस बटलर का, और पहली बार इतने व्यापक मुद्दों पर बात हो रही है। ये मेगा ऑक्शन के पहले जो होने वाली बैठक है, इसमें ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ टीम मालिक ये सोचते हैं कि उनके प्लेयर जो है वो अंत तक रहे, और कुछ खिलाड़ी जो नाम जो है नीलामी में अपना जो है मेगा ऑक्शन में नहीं देते हैं, और एक मिनी नीलामी होती है उसमें अपना नाम देते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ा सा उनके जो रेट होते हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, यानी पैसों की जो बोली है वो बढ़ जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि जो आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई टीम मालिकों ने तो ये बताया है कि उनको वीडियो लिंक के जरिए उनको शामिल किया जाए और कुछ वहां पे मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों पर क्या एक्शन लेती है बीसीसीआई, ये एक बड़ा सवाल है, और मेरा मानना है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसपे जरूर निर्णय लेना चाहिए, ताकि कम से कम उस टीम का नुकसान ना हो जिसके कारण वो प्लेऑफ से बाहर हो जाए।